लोगों के अंदर संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार पुनः आए और उसके अंदर सिख उनके साथ, इसलिए आप देखेंगे सिख पर मोदी का उन्होंने लगाया है अपने जस के ऊपर और पीछे लेकर फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये एक मैसेज है पूरे दिल्ली के लिए। सर ऑपोजिशन की बात करें, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कश्मीर से मेहबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर दिल्ली में केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है लेकिन ये पूरा नहीं होने वाला। अपनी अपनी सोच की बातें बना रहे हैं, अपनी अपनी सोच है जी। कईयों की नकारात्मक सोच होती है, कईयों की सकारात्मक होती है, हम लोग सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं जी। सर एक स्टेटमेंट भी आया था, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करो वरना वो एटम बॉम्ब आपके ऊपर डाल देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट को जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था उनकी बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे देश के नौजवान युवा का जिन्होंने आज हमारा इस बाइक राइड में सहयोग किया। हमारी विशेष तौर पर बाइक राइड जो थी ये सिख कम्युनिटी की प्लेज थी, सिख यूथ की प्लेज थी टूवर्ड्स आर प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने जिस तरह के सिखों को हमेशा संदेश दिया है कि उसको लेकर और विकसित भारत में 2047 का जो सपना है वो हमारा सबका साथ सबका विकास से पूरा होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिटी के लिए बड़ा योगदान दिया उसको चलते आज हमारी कम्युनिटी एकजुट होकर नौजवान खास तौर पर देश भर से निकलकर सड़कों पर उतरे। और प्रधानमंत्री जी, हम आपको संदेश देना चाहते हैं, जैसे आप हमसे प्यार करते हैं ऐसी हम भी आपसे प्यार करते हैं।